यहाँ है बजरंगबली का मंदिर, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इन लोग का शादी विवाह सारी चीज़ें यहीं से संपन्न हुई है। कल रात भर जागरण करके सारी चीज़ें हुई। भीड़ भी आप देख सकते हैं सब, इधर यहाँ पे खिचड़ी बन रही है और वो भाजा वगैरह, निरामिस ही सारी चीज़ें बन रही। निरामिस मतलब वेजिटेरियन। हाँ, और ये जड़े हैं जो देख सकते हैं, ये क्या वेलकम बैक टू माई चैनल के टी आर डेली लाइफ। और जैसा कि कल है शिवरात्रि और आज है प्रदोष, तो हम लोग के यहाँ मतलब यहाँ पे प्रदोष का व्रत किया जा रहा है, तो हम लोग प्रदोष करेंगे। और हाँ, ये बाबू आ गए, बोलो हेलो। हेलो, हेलो, कैसे हैं सब लोग? पूछो कैसे हैं सब लोग। नहीं बोलने आ रहा है अब बाबू। क्या कर रहा था अभी? एक क्या क्या है? ये बिंदी, बिंदी है। हाँ, तो बिंदी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हम लोग फाइनली तैयार होकर वेदू सुबह से ही उठ के काफी परेशान कर दिए, मतलब क्या बोला जाए, वो हम लोग इनके आगे सरेंडर कर दिए, इनको संभालना। हाँ बोलो। ये मोबाइल को नहीं, मुझे दे दो किसी। थैंक यू। ओके ओके, तो चलते हैं फिर हम लोग मंदिर। और काफी लेट हो गया, मतलब 11 बज गए हैं, सुबह से ही उठ गया, किसी को चैन से रहने नहीं देगा, कभी मम्मी चाहिए कभी दादी चाहिए, ये करते जा रहा। चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, जल्दी पहनो, पहनो चप्पल पहनो। क्या हुआ? ये मम्मी के इयर रिंग्स है, तो सुबह सुबह ही गिर गया, तो अभी बाद में पहनूंगी इयर रिंग। पहले तो पैर में महावर वगैरह लगाना था, तो वो सारी चीजें लगी। हाँ बेटा, वाह पहन लिया। सुबह का पूजा वगैरह कंप्लीट करके इस वक्त बैठे हम लोग एडिटिंग करने के लिए, काफ़ी टाइम से टाइम ही नहीं मिल रहा, तो क्या करें। सुबह उधर ठंडी का टाइम था तो टाइम नहीं मिल रहा था, और इधर ऐसे ही टाइम नहीं मिल रहा, इतना बिजी रह रहा है इंसान की काम 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 काम, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से टाइम चुराया जाए थोड़ा सा, कि अपने लिए कुछ टाइम मिले, बट नहीं मिल पा रहा। और अभी मैं जैसा कि बैठी हूँ और इन्होंने फ़ोन किया अभी कि फिर तैयार हो जाओ, कहीं निकलना है, शायद कोई एक्सपायर कर गया तो वहाँ जाना है, तो अभी चलते हैं। ये आउटफिट ठीक नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो इसकी वजह से एक पेन सूट वगैरह लेना पड़ेगा, मतलब लेना क्या पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। और सर का दर्द, मतलब ये मुझे नॉन स्टॉप पता नहीं क्यों 15-20 दिन से परेशान कर रहे, तो चलते हैं। फिलहाल हम लोग ड्रेस चेंज कर लेने, जैसा है वैसे ही चलेंगे, क्या करना है, बस ड्रेस चेंज कर लेंगे। वहाँ जाने के बाद से ऐसा हो जाता है कि इंसान नहीं होता है कि इमोशनल हो जाता है, नहीं ना चाहते भी इमोशनल हो जाता है, कि फैमिली, उनके बच्चे या फिर उनके पीछे जो भी है वो उन पे कैसा बीतता है, उनका फेस और ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है, मैं वो चीज़ें खुद से रिलेट करने लगती हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है मुझे कहीं जाने में। मैं सबका फेस देखती हूँ, सब नॉर्मल है, बट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सारी चीज़ें। देखते आज जैसा कि देख सकते हैं वेदू महाराज नीचे बैठ के यहाँ पे आराम से खेल रहे हैं, इनको कोई पड़ी नहीं है। मैं नॉक करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या कहता है। सुनाई तक नहीं दे रहा, ये अपना ट्रेन चलाने में बिजी है। हाँ, अब नजर पड़ी। कौन? अब महाराज चल के आएंगे। अब इसको दिख गया जहाज। और जैसा कि आज शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के ढेर सारे शुभकामनाएं सबको। और मेरा कल भी व्रत था, तो कल प्रदोष का व्रत था, आज मतलब कई लोग के अकॉर्डिंग आज प्रदोष और शिवरात्रि दोनों है। कल 10 बजे से दिन में लगा था, तो कल तो व्रत रह गई थी मैं, बट शाम को पता चला, तो फिर आज का भी व्रत रहना, तो आज भी मतलब 2 दिन कंटिन्यू फास्ट हो जाएगा, तो भगवान करे सब अच्छे से बीत जाए।
अभी दू मार पीट बाहर करे जा रहे हैं, मतलब इनसे तो मैं गिव अप कर चुकी हूँ उनके ऊपर। तो आज की पूजा खत्म हो गई फाइनली। देख रहे बच्चे कैसे छोटे छोटे बच्चे ड्रम पीटते हुए जा रहे हैं, बोल बम करते हुए। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, यहाँ सारा फेस्टिवल फील होता है कि हाँ हमारा कोई फेस्टिवल है। बाकी जगह तो थोड़ा सुनसान जैसा, लेकिन हाँ हम लोग के गांव पे बहुत अच्छा मेला लगता है। तो मेला यहाँ नहीं लगता, लेकिन हाँ सब में एक्साइटमेंट रहता है। और अभी तक तांता टूटा नहीं है, मतलब शिव मंदिर में पूजा के लिए मैं वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं लेके गई क्योंकि ऑकवर्ड लगता है। वहाँ देखो जिसको देखो वही सेल्फी उठा रहा है, फ़ोन उठा रहा, मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है। कोई अगर थर्ड पर्सन रहता है दिन के ऐसे तो नहीं भैया। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल भोग का खिचड़ी खाने, जिन बाबा का मंदिर है वहाँ पे आयोजन हुआ। तो सारे लोग पहुँच गए, हम और चाची जी फिर चल रहे हैं वहाँ पे। तो रास्ते में हम लोग देखते हैं 10 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। विदु को घर पे छोड़ के उनके दादी के पास, काफ़ी बदमाशी कर रहा है विदु, हैंडल नहीं हो रहा। प्लीज़ आपके पास अगर कोई टिप्स हो तो ज़रूर बताएं कि उसको मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि बाबा वो तो मेरे हैंडल करने वाले से नहीं है। इधर माँ का मंदिर हुआ, इधर आधा आधा करके, इधर भोले बाबा का मंदिर। तो हम लोग फिलहाल मंदिर पे आ गए और भोग भी ग्रहण कर लिए। अब चलते हम आपको मंदिर दिखाते, एक झलक मंदिर का आप भी देख लीजिए। ये शंकर जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग। और ये यहाँ मैं जब भी मिचिल हुआ था उस समय मैं आई थी। और यहाँ है काली जी, जैसे कि देख सकते बहुत शोर शराब हो रहा है, जैसे कि भीड़ भी देख सकते हैं सब। हाँ अच्छा अलग चीज़। यहाँ है बजरंगबली का मंदिर, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो इन लोग का शादी विवाह सारी चीज़ें यहीं से संपन्न हुई है, कल रात भर जागरण करके सारी चीज़ें हुई। तो भीड़ भी आप देख सकते हैं सब इधर, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है और वो भाजा वगैरह निरामिस ही सारी चीज़ें बन रही है। निरामिस मतलब वेजिटेरियन। हाँ और ये जड़े हैं जो देख सकते हैं, ये क्या किसको बोलते हैं, इस पीपल के पेड़ का है ये? ना ना ये बरगद के पेड़ का है। हाँ ये वट वृक्ष देख सकते हैं, जैसा ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मतलब इसका व्यू ही अलग है, मतलब एक तरीके से देखा जाता इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं निकली हुई हैं। और शाखा से ही मतलब यहाँ पे 2-3 वृक्ष भी हो गए, मतलब उसकी शाखाएं आके जड़ में लगी हुई है, जिससे कि एक पेड़ बन के तैयार हो गया। ये देख सकते हैं कैक्टस, कितना सुंदर कैक्टस का पेड़ लग रहा है।